हे एवरीवन, मैं हूं ज्योति जसना द गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। और आज के वीडियो में मैं सबके साथ शेयर करने वाली हूं मामा अर्थ के विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश का डेमो एंड रिव्यू। अबाउट 2 वीक्स अगो मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि मैं ये फेस वॉश यूज कर रही हूँ, एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया था कि दी बताइए कैसा है, इसका रिव्यू क्या है, आपको कैसा लगा। तो मैंने कहा था कि जस्ट वेट, मैं इसको थोड़े और टाइम तक यूज करूंगी और उसके बाद मैं आप सबके साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी। सो हियर आई एम। और आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, यूजफुल लगेगा तो लाइक जरूर करेगा, उनके साथ जरूर शेयर करेगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। और चैनल पर इस तरीके के ढेर सारे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। ऑल्सो इफ यू हैव एनी ब्यूटी स्किन केयर हेयर केयर रिलेटेड क्वेरी तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, जिसकी आईडी मैं इसके स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे डीएम कर सकते हो, मेरे पिक्चर्स के नीचे आपकी क्वेरीज कमेंट कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं इस मामा अर्थ के विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश के प्राइस की। तो ये आता है 399 रुपीज का, जिसमें आपको मिल जाता है 150 ml ऑफ प्रोडक्ट। और अगर मैं इसके अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो ये अमेजोन पे, नाइका पे, मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। और अगर आप यूज करते हो मेरा कूपन कोड, जो कि मैं स्क्रीन पर कहीं मेंशन कर दूंगी, मामा अर्थ की वेबसाइट पर जाके, तो उस कूपन कोड को यूज करके आपको मिलेगा इस पर 20% का ऑफ। बट प्लीज कीप इन माइंड कि ये जो कूपन कोड है ये सिर्फ और सिर्फ मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही एप्लीकेबल है। पैकेजिंग की बात करूँ तो जो फेस वॉश की बॉटल हुआ थी कुछ इस तरीके के बॉक्स में, जहाँ पे सारी की सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और जो हमारा फेस वॉश है वो आता है इस तरीके की वाइट कलर की प्लास्टिक बॉटल में। और इसकी खास बात यह है कि इसमें दिया हुआ है ये सिलिकॉन ब्रश, फोमर, और इसके साथ में एक कैप है इस ब्रश को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब भी फेस वॉश यूज करें उसके बाद ब्रश को वॉश करके इस कैप को लगा दीजिए, ताकि आपका जो ब्रश है वो साफ सुथरा रहे, गंदा ना हो। इसको आप प्रेस करोगे तो यहाँ से ये जो ब्रश है सफिशियंट क्वांटिटी देता है फेस वॉश की। और ये जो ब्रश है ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है, सिलिकॉन ब्रश है, काफी सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा जेंटल है। और ये ब्रश जो है अप टू 250 पंप्स आपको प्रोवाइड करता है ये बॉटल, जो कि आराम से आपका अराउंड 90 डेज चल जाएगा। बात कर लूँ अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है उसमें है विटामिन सी। एंड वी ऑल नो कि विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, साथ ही साथ में एक एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है। फोटो एजिंग से स्किन को प्रिवेंट करता है, स्किन को ब्राइटन करने में, स्किन की जो टोन होती है स्किन टोन को इवन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और यहाँ पे लिखा इसमें है टर्मरिक। टर्मरिक वी ऑल नो कि टर्मरिक भी एक एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है, साथ ही साथ में स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है और एंटी माइक्रोबियल है। साथ ही साथ में इसमें एलोवेरा है, एंड एलोवेरा भी हम सबको पता है कि इसमें कितनी अच्छी लाइक स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। एलोवेरा भी एक एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल इंग्रेडिएंट है। और साथ ही साथ में इसमें क्यूकम्बर है, क्यूकम्बर भी हम सबको पता है कि स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। क्यूकम्बर में 70% तक वाटर होता है, जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, स्किन को टोन करने के लिए, पोर्स को टाइटन करने के लिए। और आपको बता दूं कि ये जो फेस वॉश है इसमें पैराबिन नहीं है, SLS नहीं है, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसमें मिनरल ऑयल नहीं है, इस तरीके के कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है। और जैसा मैंने बताया जो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसमें, तो इसमें इनसाइड गुडनेस के साथ साथ आउटसाइड गुडनेस भी है। मामा अर्थ वी ऑल नो कि इट इज अ क्रुएलिटी फ्री ब्रांड, ऑफिशियली सर्टिफाइड है पीटा से एज अ क्रुएलिटी फ्री ब्रांड। साथ ही साथ में प्लास्टिक पॉजिटिव है, दैट मीन्स जितना प्लास्टिक यूज करते हो उससे ज्यादा प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं। प्लस इट इज अ मेड इन इंडिया ब्रांड, तो इट जस्ट नॉट हैव गुडनेस इनसाइड, इट हैज गुडनेस आउटसाइड टू। और जो इसके जो भी फुल इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी लिस्ट मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फुल इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट लिख दूंगी, आप इंटरेस्टेड है तो आप चेक कर लीजिए। बता दूं कि ब्रांड इस फेस वॉश को लेकर क्या क्लेम करता है, तो इनका कहना है कि जो फेस वॉश है इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि स्किन को डीपली क्लीन करता है और क्लियर कॉम्प्लेक्शन को प्रमोट करता है। बेसिकली ये फेस वॉश स्किन इल्यूमिनेशन के लिए, और इनका कहना है कि ये फेस वॉश सारे स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, एंड पीपल जिनकी जो एज है वो 15 ईयर्स से ऊपर है, मेन एंड वुमेन बोथ कैन यूज दिस फेस वॉश। तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो पहले देख लीजिए आप इस फेस वॉश का डेमो कि मैं इसको किस तरीके से यूज करती हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा ये फेस वॉश। तो मैं इस फेस वॉश को दिन में 2 बार मेरे मॉर्निंग एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज करती हूँ। फेस को मैं वेट कर लेती हूँ, और उसके बाद इस पंप को जब आप प्रेस करोगे तो ये जो यहाँ पे ब्रश दिया हुआ है, सिलिकॉन ब्रश दिया हुआ है, इसमें से जो फेस वॉश ये डिस्पेंस करता है। एंड सिर्फ एक पंप मैं यूज करती हूँ, उससे ज्यादा मैं यूज नहीं करती हूँ। एक पंप मेरे पूरे फेस के लिए एकदम सफिशियंट होता है, उससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। एंड बस फेस पे मैं फैला के
एक मिनट तक मेरे फेस को इस ब्रश की हेल्प से मसाज करती हूँ। मैं दोनों टाइम ब्रश को यूज नहीं करती, एक टाइम मेरे फिंगर्स को यूज करती हूँ और एक टाइम ब्रश को यूज करती हूँ, एंड पूरे एक मिनट तक मैं मसाज करती हूँ, ना ज्यादा और ना ही कम। ये एक मिनट की मसाज वाली टेक्निक बहुत ही अच्छी होती है फेस को वॉश करने के लिए, आप भी जरूर ट्राई करेगा। एंड ये ब्रश जो है बिल्कुल भी हार्श नहीं है और बहुत ही जेंटल है, इसको यूज करो तो लगता है कि स्किन डीपली क्लीन हो रही है। तो या इस तरीके से मैं एक मिनट तक मसाज कर, तो उसके बाद जस्ट मैं प्लेन वाटर से, नॉर्मल वाटर से मेरे फेस को वॉश करती हूँ और मुझे मिलती है क्लीन, डीपली क्लीन एंड इंस्टेंटली ब्राइटेंड स्किन। बात कर लो अगर मैं एक्सपीरियंस की, तो पहले मैं मेरा स्किन टाइप बता दूं, मेरी जो स्किन टाइप है ये ऑयली है, सेंसिटिव है एंड एक्ने पिंपल प्रोन है। और जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इस फेस वॉश को मैं 2 वीक से ज्यादा टाइम से यूज कर रही हूँ एंड मेरे मॉर्निंग एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में मैं इसको यूज करती हूँ। और जैसा मैंने आपको डेमो में भी बताया था कि इसमें ये ब्रश दिया हुआ है, बट मैं ब्रश को दोनों टाइम यूज नहीं करती, एक टाइम में मेरे फिंगर्स हैंड से फेस को वॉश करती हूँ और दूसरे टाइम मैं ब्रश को यूज करती हूँ। बट आप टोटली दोनों टाइम ब्रश को यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ब्रश जो है वो बिल्कुल भी हार्श नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों टाइम आप ब्रश को यूज नहीं कर सकते हो। जैसे ही, क्योंकि मैंने जैसा आपको डेमो में दिखाया फोमिंग फेस वॉश है, तो अच्छा खासा फोम इससे निकलता है एंड एक पंप से ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि क्वांटिटी जो है वो बहुत ही कम लगती है। कई बार क्या होता है ना कि हम जब ज्यादा फेस वॉश यूज करते हैं तो उसकी वजह से स्किन ड्राई ड्राई सी लगती है, बट इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ एक पंप लीजिए और पूरे फेस को ये अच्छे से क्लीन कर देता है। और जैसे ही आप फेस को वॉश करोगे पानी से, आप देखोगे कि स्किन जो है वो इंस्टेंटली थोड़ी सी ब्राइटन लगती है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसके साथ। इनका कहना है कि ये स्किन ब्राइटनिंग फेस वॉश है, तो इसको वॉश करने के बाद स्किन इंस्टेंटली ब्राइटन लगती है एंड डीपली क्लीन लगती है बिकॉज ऑफ द ब्रश। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अगर मैं बात करूं स्किन फील कैसी होती है, तो अभी जो वेदर चल रहा है, मतलब अब थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है, हल्की हल्की कहते हैं ना, वो जो गुलाबी सी ठंड पड़ने लगी है, तो स्किन हल्की हल्की सी ड्राई फील हो सकती है। इवन मेरी स्किन ऑयली है और हल्की हल्की सी कभी कभी मुझे लगता है कि ड्राई फील हो रही है। और इस वेदर में ये फेस वॉश जो है काफी अच्छा काम कर रहा है, मतलब काफी जेंटल लगता है मुझे स्किन पे। जब भी फेस को इससे वॉश करती हूँ तो ऐसा नहीं लगता है कि स्किन का जो भी इसेंशियल ऑयल है या फिर जो इसेंशियल मॉइस्चर है वो सब स्ट्रिप हो गया है। स्किन मेरी डीपली क्लीन तो लगती है बट ड्राई बिल्कुल भी फील नहीं होती है, और एट द सेम टाइम ऑयली बिल्कुल भी फील नहीं होती। तो काफी जेंटल, और मुझे लगता है कि बिल्कुल जो बैलेंस्ड स्किन का टेक्सचर होता है मुझे वैसा लगता है, नीदर ऑयली नॉट ड्राई, जो कि इस वेदर में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस जो लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न होता है, इसको यूज करने से मुझे एक भी कोई भी नए पिंपल नहीं आए, तो स्किन पर ये मुझे काफी अच्छे से सूट कर रहा है, पिंपल वगैरह की मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। सो या फाइनली मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश है, आई फील कि इट इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, क्योंकि काफी जेंटल है, स्किन को ना ही ड्राई कर रहा है ना ही ऑयली कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सारे स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आई एम यूजिंग दिस मामाअर्थ का मिसला वाटर फोमिंग मेकअप रिमूवर। जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो मैं इसको ही यूज कर रही हूँ आजकल मेकअप रिमूव करने के लिए। आज भी मैंने जो आई एंड लिप्स पे मेकअप किया होगा इसको ही मैं यूज करूंगी रिमूव करने के लिए। ये मुझे लगता है ना कि एक 2-in-1 प्रोडक्ट है, क्योंकि ये मिसला वाटर के साथ साथ एक फेस वॉश का भी काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी ये ब्रश दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं क्लियरली मैंने इसको यूज किया क्योंकि हल्का सा ये मेकअप लगा हुआ है। तो इसमें भी ये ब्रश दिया हुआ है, आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ से मिसला वाटर निकलेगा जो कि फोम के उसमें है, फोम के फॉर्म में है। तो ये मिसला वाटर का काम तो करता ही है, साथ ही साथ में फेस को वॉश भी करता है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि हम पहले कोई मेकअप लगाते हैं तो कोई मेकअप रिमूव करने के लिए कोई मिसला वाटर क्लेंजिंग ऑयल, क्लेंजिंग बाम, मेकअप रिमूवर यूज करते हैं, उसके बाद हम फेस को वॉश करते हैं। बट इसके साथ क्या है, आप इसको यूज कर रहे हो तो आपको अलग से फेस वॉश लगाने की जरूरत नहीं है। पहले मुझे थोड़ा डाउट था कि पता नहीं यार मेकअप रिमूव करेगा कि नहीं, लिपस्टिक आई मेकअप पता नहीं कैसे करेगा फेस, मतलब एक ही प्रोडक्ट दोनों काम कैसे करेगा, बट बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो ये भी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, 2-in-1 प्रोडक्ट है। और इसमें जो है वो रोज वाटर एंड ग्लाइकोलिक एसिड है। ग्लाइकोलिक एसिड एक तरीके का केमिकल एक्सफोलिएंट है, तो स्किन को बहुत ही माइल्डली एक्सफोलिएट भी करता है। तो ये प्रोडक्ट भी आप चेक कर सकते हो, इसके भी परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सोया ये था मेरा रिव्यू मामाअर्थ के विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश के लिए। इसके जो भी परचेज लिंक्स हैं मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, एंड मेरी तरफ से मैं इस फेस वॉश को थम्स अप देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप भी वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिए, जरूर लाइक करेगा, उनके साथ जरूर शेयर करेगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। और चैनल पर नए तो इसी तरीके के ढेर सारे वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चीयर्स।